नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो एक्सरसाइज होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोस्तों, और इस एक्सरसाइज को आप प्लीज़ मिस मत करना। अगर आप मिस करते हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को खो दोगे, और ये जो एक्सरसाइज आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। सो हम लोग इस एक्सरसाइज को ध्यान से सुनना, देखना, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका सीरियसनेस बहुत ज़्यादा आता है। सो, चलो वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला, इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं वाटर कंट्रोल एंड ब्रश कंट्रोल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने मटेरियल्स पे कैसे कंट्रोल लाएं, अपने ब्रश पे, वाटर पे कैसे कंट्रोल लाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी बिगनर्स को देखा है कि इतना पानी ले लेते हैं कि पेपर में बाढ़ आ जाता है, तो उतना भी पानी नहीं लेना है। तो हम लोग कैसे कंट्रोल करें वाटर को, क्योंकि अक्सर बिगनर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी कितना ले, ब्रश में कलर कितना ले। तो ये एक्सरसाइज आपको हर कुछ सिखा देगा, और ये एकदम डूडलिंग की तरह है। सो आपको ध्यान से सुनना, देखना है। सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप टीचर हो, अगर आप बच्चों को सिखाते भी हो, तो आप ये एक्सरसाइज को करवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके जो भी आप बच्चों को सिखाओगे उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। सबसे पहले मैंने इस एक्सरसाइज में क्या किया हूँ, एक छोटा सा लैंडस्केप बनाया हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लैंडस्केप ही बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो। आप पेड़ बना दो छोटा सा। इसमें सिंपल सा क्या करना है कि आपको कलर फिलअप करना है। कलर फिलअप इन द सेंस, हम लोग जब बच्चे थे केजी टू, वन, टू, थ्री, फोर में, तो आपको याद होगा कि हम लोग को एक बुक मिलता था जिसमें हम लोग क्रेयॉन से कलर भरते थे, याद आया? और उसी तरीका से हम लोग इसमें भी, इसमें क्रेयॉन्स का यूज़ नहीं होगा, इसमें वाटर कलर का यूज़ होगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको छोटा ब्रश नहीं लेना है, आपको बड़े साइज़ का ब्रश से इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं एकदम बड़े साइज़ का ब्रश लिया हूँ, 8 या 12 नंबर का मॉप ब्रश है ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो साइज़ का ब्रश उसका आउटलाइनिंग को फिल कर रहे हो तो फिर आपका कंट्रोल नहीं आएगा उसमें, ठीक है? बड़े साइज़ का ब्रश लोगे तो आप बहुत ईजिली वाटर को कंट्रोल कर सकते हो और आपका ब्रश का कंट्रोलिंग आएगा। वही चीज़ हम लोग इस एक्सरसाइज में सीख रहे हैं। आप यहाँ पे देखो कि मैं स्काई को ब्लू किया हूँ, तो इसमें आप इंजॉय कर सकते हो, ये इंजॉय का पार्ट है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं कि आप सीरियस ले लेके कर रहे हो, इसमें शेडिंग नहीं करना है, आपको सीधा फ्लैट कलर को फिल करना है, और ये आपको वाटर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ब्रश कंट्रोल में। और जिसको भी आप सिखाओगे, लेकिन पहले अपना फंडामेंटल क्लियर कर लो। अगर आप किसी बच्चों को सिखाते हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोचिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, पहले आप खुद का जो फंडा है उसको क्लियर कर लेना इस वीडियो पे। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करना, उसके बाद आप किसी और को सिखाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, वो कोई बताता नहीं है, इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये सब अच्छा नहीं लगता है। ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ वो बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता वाह क्या बना रहे हो, तो ये सब चीज़ दिखाया नहीं जाता एक्चुअली, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब यूट्यूब में है नहीं कहीं पर भी, तो आप लोग प्लीज़ सीरियसली होके करना यार। इस तरह से नहीं कि हाँ बस अच्छा है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो एक्सरसाइज जो होता है ना वो बहुत हेल्प करता है, वो हर फील्ड में हेल्प करता है। अगर आप क्रिकेट का फील्ड में देख लो तो वहाँ पे भी पुशअप वगैरह एक्सरसाइज होता है, डांसिंग में भी देख लो हर जगह एक्सरसाइज होता है, तो उसी तरीके से आर्ट में भी एक्सरसाइजेस होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर आप जो आपका ग्रोथ है ना वो बहुत स्पीड हो जाता है, बिलीफ में बहुत स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कलर कर लिया है, तो चलो देखो इसको वीडियो को। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज को करते वक्त एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आपको जो लाइंस है ना उससे ज़रा सा भी कलर बाहर नहीं आना चाहिए। आप जो भी आउटलाइन बनाओ एकदम परफेक्ट उसी में कलर आना चाहिए। अगर आपका बाहर आ रहा है मतलब आप गलतियां कर रहे हो, और ऑब्वियसली वो तो स्टार्टिंग में होगा ही, तो आपको उतना कंट्रोल लाना है। आगे जो एक्सरसाइज होने वाला है, जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो इससे टफ होगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको पहले अच्छी तरीके से करें, प्रैक्टिस करें। और मैं वीकेंड में वीडियो डालता हूँ, तो आप पूरा एक वीक इस एक्सरसाइज को कीजिए, उसके बाद आपका जब हाथ में थोड़ा कंट्रोल आ जाए फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसको कीजिएगा। सो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्रंस याना कलर लिया है, ब्राउन को हम लोग बोलते हैं ब्रंस याना कलर। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हो, थोड़ा फन का पार्ट ही है, इसमें बहुत सीरियस हो कि इस एक्सरसाइज को मत कीजिएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो या फिर आप चैनल को देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बना सकूँ इसलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो आपके पास बहुत ईजिली चला जाए, और बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। आप जब प्रैक्टिस करने जाओ तो आपको इजी सब्जेक्ट ले लेना, यही चीज़ को आपको करते रहना है। आप करते रहोगे आपका हाथ में ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि कंट्रोल आ रहा है, यही चीज़ जो है वो वाटर कलर में आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी आप कोई न्यू वर्क बनाते हो उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो ध्यान रखिए इस एक्सरसाइज को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको करना यार, इसको इग्नोर मत करना। आउटलाइन को जब मैं एजेस को पेंट कर रहा हूँ तो मैं बहुत स्लोली मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है इसलिए क्या ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि करना क्या है इस वीडियो पे, ठीक है। सो इसलिए आप जब भी एजेस को पेंट करो बहुत संभल के करना ताकि एज से आपका कलर बाहर ना जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यही आपको कंट्रोल लाएगा। तो दोस्तों ये फाइनल वर्क है, कैसा लगा, कैसा क्या लगेगा, ये तो फिर भी एक्सरसाइज था इसलिए एक्सरसाइज की तरह है ये, और आप लोग भी करना, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को देने वाला हूँ।